गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर अरुण आप सभी का फिर से एक बार और वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑल प्रेस जरूर कर लें। और हेल्थ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कर दें और इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। और अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ, उसके जो नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एजवेल कंपनी के रिलैक्स हेड ड्रॉप से रिलेटेड, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और फिलहाल मेरे पास वो अवेलेबल भी है। दोस्तों, ये जो ड्रॉप है, ये मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ये हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है, जिसे हम सिर दर्द कहते हैं दोस्तों। और ये माइग्रेन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप आधा सीसी दर्द कह सकते हैं, जो कि आधे सिर में दर्द होता है। माइग्रेन डिजीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है, ये हेडेक डिजीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। ये गाइज हेडेक की जो डिजीज देखी जाती है, गाइज 100% में से गाइज 99% गाइज महिलाओं में प्रॉब्लम देखी जाती है, स्त्री में प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है, फीमेल से ही प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है। और ये गाइज मैं बात करूँ, मेल से ही प्रॉब्लम देखी जाती है गाइज, जैसे कि बात करूँ ये मैरिड लाइफ में हो सकती है, अनमैरिड लाइफ में हो सकती है, जो कि शादीशुदा है, जो मैं आपको जिनकी शादी है उनमें प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों। ये गाइज जो स्टडी फोकस कर रहे हैं उनमें भी प्रॉब्लम देखी जाती है, जिनकी गाइज 18 प्लस एज है, 20 प्लस एज है, 25 प्लस एज है, या 30 प्लस एज है, 35 प्लस एज है दोस्तों, जिनकी 40 प्लस एज है उनमें भी प्रॉब्लम देखी जाती है, हेडेक की प्रॉब्लम देखी जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों। और इसको कंट्रोल करने के लिए मैं बात करूँ, वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवा लेती रहती हैं, पेन किलर लेती रहती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, जो कि बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं, बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है उनके लिए, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों, ये हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है और मैं आपको माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। और मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि इसके क्या इसकी MRP है, क्या इसका प्राइस है, और इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन डाला गया है, क्या इसके अंदर कॉम्बिनेशन डाले गए हैं, और कहाँ से आपको अवेलेबल मिलेगा ड्रॉप दोस्तों, और मैं बात करूँ कहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं, और गाइज इसमें यह आपको कैसा आपको यूज़ करना है, कैसा आपको लेना है, और कितनी डोज आपको इसमें यूज़ करनी है, कितने ड्रॉप आपको लेने हैं, और कितने टाइम आपको यूज़ करना है, किसके साथ आपको लेना है, और कब तक आप इसको यूज़ आप कर सकते हैं, कब तक आप इसको ले सकते हैं, और कितने महीने तक आपको ये ड्रॉप यूज़ करना है, और क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस ड्रॉप का, इस मेडिसिन का, इस प्रोडक्ट का क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और पहले आपको मैं बता दूंगा, इस मेडिसिन का, इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपको रिएक्शन आपको नहीं होगा दोस्तों। एक सेफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, और होम्योपैथिक मेडिसिन है गाइज, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक गाइज होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है गाइज, वो सिर्फ बीमारी पे काम करती है और किसी भी बीमारी में जो है अलग कहीं भी नुकसान नहीं देती दोस्तों। और ये गाइज एक एजवेल कंपनी का प्रोडक्ट है, और एक मैं आपको एक एजवेल कंपनी के वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक कंपनी, और एजवेल कंपनी गाइज जितने प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स उनके देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट वो देते हैं दोस्तों। मगर थोड़ा टाइम जरूर लगता है, मगर रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हेडेक जो देखा जाता है, सिरदर्द जो देखा जाता है दोस्तों, इसका क्या रीज़न होता है, क्या इसके कारण देखे जाते हैं, क्या इसके कॉजेज होते हैं, और माइग्रेन जो डिजीज होती है दोस्तों, इसके गाइज क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, माइग्रेन जो डिजीज होती है, और माइग्रेन डिजीज के गाइज क्या कारण देखे जाते हैं, क्या इसके कॉजेज होते हैं, तो दोस्तों ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और इसी के साथ गाइज मैं आपको सॉल्यूशन ही बताने वाला हूँ, कुछ उपाय आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको यूज़ करना है, और इस डिजीज से आप परमानेंटली डिस्चार्ज आप हो सकते हैं, और इससे आप जो है छुटकारा पा सकते हैं, हेडेक से जो है डिस्चार्ज आप हो सकते हैं, माइग्रेन डिजीज से आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे, कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप सभी के लिए यूजफुल वीडियो है, यूजफुल मेडिसिन है, यूजफुल प्रोडक्ट है, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, हेल्थ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कर दें। और अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ, उसके जो नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे, तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज।
दोस्तों जिस मेडिसिन जिस प्रोडक्ट की मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा था, जिससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा दोस्तों, तो ये है वो मेडिसिन। आप इसको प्रॉपर देख लेंगे, जैसे SBL का रिलैक्स हेड ड्रॉप है, SBL कंपनी की मेडिसिन है, SBL कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इसको प्रॉपर देख लें दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हेडेक जो देखा जाता है, सिर दर्द जो देखा जाता है, जैसे आपको क्रॉनिक हेडेक जैसे आपको हो रहा है, एक्यूट हेडेक जैसे आपको हो रहा है, जैसे क्रॉनिक हेडेक जैसे आपको काफ़ी लंबे समय से आपको हेडेक हो रहा है, लॉन्ग टाइम से आपकी प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इस डिजीज़ से आप जो है परमानेंट डिस्चार्ज होना चाहते हैं, हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे अक्यूट हेडेक जैसा आपको हो रहा है, अभी से हेडेक जैसा आपको हो रहा है, सिर दर्द अभी से 1 महीने 2 महीने 3 महीने से, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ से है, और इस सब हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, और मैं आपको हमेशा के लिए डिस्चार्ज आप होना चाहते हैं इस डिजीज़ से दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो हेडेक जो देखा जाता है, इससे क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके रीज़न देखे जाते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इसके रीज़न की बात करूँ, हेडेक के जो रीज़न होते हैं दोस्तों, इसका जो स्ट्रेस इसका रीज़न देखा जाता है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको रहता है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, और काफ़ी लंबे से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, लॉन्ग टाइम से आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है दोस्तों, या जैसे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आपको हो रही है, ये भी आपको काफ़ी लंबे समय से हो रही है, लॉन्ग टाइम से आपको हो रही है एंग्जाइटी भी, जैसे एक रीज़न इसका देखा जाता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा चिंता आप करते हैं, बहुत ज़्यादा आप तनाव में जैसे रहते हैं, तो दोस्तों एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है, और जैसे आप फ्रस्ट्रेशन जैसे आपको बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आप रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है दोस्तों। और जैसे आप जैसे कॉफ़ीन वगैरह या फिर बात को टी वगैरह बहुत ज़्यादा आप यूज़ आप कर रहे हैं, टी बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे चाय बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आप पी रहे हैं दोस्तों, या जैसे बात करो चॉकलेट बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, जैसे चॉकलेट बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं दोस्तों, एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है। और जैसे मैं बात करूँ चीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, जैसे चीज़ वैसे गाइस चीज़ बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं, और मैं आपको नट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, नट्स जैसे बहुत ज़्यादा आप खाते हैं दोस्तों, एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है दोस्तों। ये प्रॉब्लम गाइस मेल से ज़्यादा फीमेल से प्रॉब्लम देखी जाती है, पुरुषों से ज़्यादा मैं बात करूँ ये महिलाओं में प्रॉब्लम देखी जाती है, जो कि मैरिड लाइफ में है, जो शादीशुदा हैं दोस्तों उनमें प्रॉब्लम देखी जाती है। अब मैं बात करूँ गर्ल्स में प्रॉब्लम देखी जाती है, जो बात को जो स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मैं आपको उनको एंगजाइटी इसी भी इसी चीज़ की रहती है गाइस, जैसे कि स्टडी बहुत ज़्यादा उनको एंगजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं, बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ उनको गाइस चिंता बनी रहती है, और वो मैं बात करूँ चाय कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा ले रही हैं, चॉकलेट बहुत ज़्यादा वो खाती हैं, जैसे चीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा ले रही हैं दोस्तों, या नट्स वगैरह, और मैं बात करूँ चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाती हैं दोस्तों, जैसे कि जो स्टडी बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं उनमें भी प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों, हेडेक की जो प्रॉब्लम गाइस उनमें भी देखी जाती है। जैसे बात करूँ गाइस डिहाइड्रेशन भी इसका एक रीज़न देखा जाता है, अगर आपको मैं आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, जैसे आपकी बॉडी में गाइस ग्लूकोज की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की कमी हो रही है, एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है दोस्तों। ये बात करूँ गाइस एक लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो सकती है, अगर आप प्रॉपर आप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, और नींद सही से आपको आ नहीं रही है, और मैं बात करूँ आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है दोस्तों। और जैसे मैं बात करूँ अगर आपका जैसे कि डाई सिस्टम है, अगर आपकी जो पाचन क्रिया है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, जैसे आपको पेट सही से साफ़ नहीं हो पा रहा है, और प्रॉपर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, जैसे आपको हार्ड स्टूल जैसे आपको आ रहे हैं, ड्राई स्टूल जैसे आपको आ रहे हैं, डिफिकल्टी स्टूल जैसे आपको आ रहे हैं, और जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपके अंदर देखी जा रही है, जैसे कब्ज की शिकायत आपके अंदर बनी रहती है, और प्रॉपर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, इनफ्रीक्वेंट स्टूल जैसे आपको आ रहे हैं, ये भी काफ़ी लंबे समय से आपको अगर अभी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है, जैसे आपको एसिडिटी जैसे आपको रहती है, और मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा आपको एसिड बनता है, अम्लता बहुत ज़्यादा रहती है, मैं बात करूँ आपके जो डाई सिस्टम की जो पाचन क्रिया वो ठीक नहीं है, इनडाइजेस्टिव इसको कह सकते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इसको कह सकते हैं, और वो एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है दोस्तों। या मैं बात करूँ जैसे आप एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, वर्कआउट आप नहीं करते हैं, मैं बात करूँ व्यायाम वगैरह आप नहीं कर रहे हैं, और खाते पीते रहते बस, जैसे कि आपको भूख बिल्कुल नहीं है फिर भी आप खा रहे हैं ऊपर से, और बहुत ज़्यादा बाहर का जब फास्ट फूड आप ले रहे हैं, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, ये जो बात करूँ आप जैसे भूख आपको बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप खाते रहते हैं, और बराबर आप खा रहे हैं, फ्रीक्वेंट आप खा रहे हैं खाना, तो गाइस एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है। ये बात करेगा इस मेंसेस प्रॉब्लम की वजह से भी देखी जाती है, अगर आपको मेंसेस सही से नहीं आ रहे हैं, पीरियड प्रॉब्लम जैसा आपको हो रही है, मेंसेस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, और आते तो मैं बात करूँ 1 मंथ में गाइस प्रॉपर आपको आ नहीं पा रहे हैं, और मेंसेस बहुत ही पेनफुल आ रहे हैं, बहुत ही दर्द युक्त आ रहे हैं,
तो मेंसेस प्रॉब्लम भी इसकी देखी जाती है, पीरियड प्रॉब्लम भी इसका देखा जाता है। अगर आपको पीरियड प्रॉब्लम हो रही है तो एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है दोस्तों। जैसे जैसे बात करूँगा, जैसे जैसे ठंड वगैरह लग जाती है, ठंड जैसे बैठ जाती है दिमाग में, और जैसे नज़ला वगैरह बैठ जाता है, एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है। जैसे आपने कोई भी ठंडी चीज़ खा ली और ऊपर से गाइस फिर आपने गर्म चीज़ खा ली, एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है, जैसे नज़ला जैसे बैठ जाता है, ये भी इसका रीज़न होता है दोस्तों। तो दोस्तों हेडेक के दोस्तों मैं आपको यही रीज़न देखे जाते हैं, सिर दर्द जिसे हम कहते हैं दोस्तों। और ये गाइस एक एनीमिक कमी भी से हो सकती है, अगर आपको एनीमिक कमी आपके शरीर में हो रही है, खून की कमी आपके शरीर में हो रही है, जो कि महिला में हमेशा देखी जाती है। और ये बात करूँ महिला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, खून की कमी जैसे हो जाती है। तो दोस्तों एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है, अगर आपको बॉडी में खून की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी आपके शरीर में हो रही है, तो दोस्तों एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो दोस्तों सिर दर्द के दोस्तों ये रीज़न देखे जाते हैं। और जो हेडेक जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे सिर दर्द जैसे आपको क्रॉनिक है और बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी लंबे समय से आपको हो रहा है, लॉन्ग टाइम से आपको हो रहा है, और बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आप जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, पेन किलर आप लेते रहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है, जो भी मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों। तो दोस्तों एलोपैथिक मेडिसिन थोड़ा कम यूज़ करें, और इस मेडिसिन को आप यूज़ आप कर सकते हैं, इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आप ले सकते हैं दोस्तों इस मेडिसिन को, और हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है दोस्तों। दोस्तों ये जो हेडेक जो डिजीज़ देखी जाती है, ये जो सिर दर्द जो रोग देखा जाता है गाइज, ये गाइज एक ऑफिस वर्क की वजह से हो सकता है गाइज, बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क जैसे आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइज जैसे ऑफिस में गाइज आप जैसे कि कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे कि टी वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, और ऑफिस वर्क की वजह से क्या होता है गाइज, आपको एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता आपको रहती है, और जैसे आपको प्रॉपर आप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर आप सो नहीं पा रहे हैं, और ऑफिस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जैसे आप कर रहे हैं, ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, और इसी वजह से क्या हो रहा है गाइस, आपकी आंखों में तनाव रहता है, आई स्ट्रेन जैसा आपको रहता है, बहुत ज़्यादा आईज आपकी रात को थकी थकी सी रहती है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा थकी थकी सी रहती हैं, और आईज विजन जैसे आपकी जो है डिस्टर्बेंस हो रही हैं, और मैं बात करूँ प्रॉपर आप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों एक रीज़न इसका ये भी देखा जाता है, अगर आप ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है। और दोस्तों ये बात करूँ एक लिकोरिया डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जो कि महिला में हमेशा देखी जाती है, और गर्ल्स में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, जो कि यंग एज में ये प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है, जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियाँ जो होती है उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है, लिकोरिया अगर उनको रहता है, अगर उनको लिकोरिया डिजीज़ जैसे उनको हो रही है, मैम जिसे हम कह सकते हैं सफ़ेद पत्थर जिसे हम कह सकते हैं, सफ़ेद पानी जैसे जिसे हम कह सकते हैं जाना, दोस्तों ये गाइज उस रीज़न से हो सकता है, अगर उनको लिकोरिया डिजीज़ उनको रहेगी तो उनका गाइज बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है इसी डिजीज से गाइज, और उनको गाइज हेडेक देखा जाएगा, उनके अंदर सिर दर्द बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। और ये गाइज मैं बात करूँ महिलाओं में भी देखी जाती है, और ये गाइज मैं बात करूँ गर्ल्स में भी देखी जाती है, और जो मैरिड लाइफ में उनमें भी प्रॉब्लम देखी जाती है, जो अनमैरिड लाइफ में भी उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, और जो गाइज स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा उनको जो है गाइज बिजी रहती हैं, और मैं बात करूँ रात में वो स्लीप नहीं ले पा रही हैं, और मैं प्रॉपर वो स्लीप नहीं ले पा रही हैं, और इसी वजह से उनको जो एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं, और वो भी गाइस जैसे मैं बात करूँ उनको वो जो कॉफ़ी चाय और बहुत ज़्यादा पी रही हैं गाइस, वो अपने जो है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो दोस्तों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, अगर उनको लिकोरिया डिजीज़ उनको रहता है और सफ़ेद पत्थर की उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस उनमें प्रॉब्लम देखी जाएगी, या मैं बात को जो ऑफिस वर्क करती हैं उनमें प्रॉब्लम देखी जाएगी, हेडेक की जो प्रॉब्लम गाइस, ये गाइस एक कॉमन डिजीज़ है गाइस, एक नॉर्मल सी बीमारी है, जो कि 100% में से गाइस 99% देखी जाती है, 100% में से गाइस 99% ये देखी जाती है। दोस्तों ये एक ऐसी प्रॉब्लम है गाइस, एक कॉमन डिजीज़ है, एक नॉर्मल बीमारी है दोस्तों, हेडेक जो बीमारी है दोस्तों, सिर दर्द की जो बीमारी है गाइस, इसके यही रीज़न देखे जाते हैं और इसके कारण होते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ गाइस, माइग्रेन जिसे मैं कह रहा था दोस्तों, माइग्रेन के क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, माइग्रेन जैसे आधा सीसी दर्द जिसे हम कहते हैं, जैसे आधे सिर में जैसे आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि आधा सीसी दर्द जैसे हो रहा है, तो दोस्तों उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ये गाइस मैं बात करूँ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, महिला में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ये जो बीमारी है गाइस महिला में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, स्त्री में प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है, जो कि इस डिजीज़ से इस बीमारी से पीड़ित रहती है, बहुत ज़्यादा वो
सफरिंग, उनको प्रॉब्लम हो पीड़ित रहती है दोस्तों, उनके अंदर ये प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है। माइग्रेन डिजीज भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो माइग्रेन जो होता है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसके जैसे सिम्टम्स की बात करूँ, इसमें गाइज इसमें आधा सिर में दर्द जैसे रहेगा, और इसमें गाइज नॉइस कंडीशन रहेगी इसमें, जैसे कि मैं आपको जी मसला आएगा, उल्टी का सब मन करे, वॉमिटिंग की जैसे फीलिंग आएगी, उल्टी का सब मन करे बहुत ज़्यादा इसमें। और दोस्तों इसमें आधे सिर में दर्द रहेगा, और दोस्तों मैं बात करूँ एक डिस्टर्बेंस विजन जैसे रहेगी, आँखों में जैसे कि धुंधलापन सा रहेगा, और विजन में आपको उनकी आँखों की जो रोशनी है थोड़ी धुंधली हो सकती है, और उनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे माइग्रेन, जैसे माइग्रेन में सिम्टम्स जैसे होते हैं दोस्तों। और ये गाइज माइग्रेन जो डिजीज होती है दोस्तों, ये गाइज 4 से 72 घंटे तक हो सकती है, और ये गाइज मैं आपको 4 आवर से लेके गाइज ये 72 आवर तक देखी जाती है दोस्तों ये। और ये गाइज में क्या होता है गाइज, आँखों में एक चिंगारी से निकलती है, और मैं बात करूँ एक दौरा गाइज, ये बात करूँ दौरे के रूप में होता है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है गाइज एक दौरे के रूप में होती है जो ये माइग्रेन जो डिजीज होती है दोस्तों। ये गाइज मैं बात करूँ डेली भी देखी जाती है, ये गाइज आपको प्रतिदिन भी हो सकती है, और ये गाइज मैं बात करूँ 1 ईयर में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है गाइज, और किसी के भी हो सकती है। ये गाइज मैं बात करूँ 1 साल में एक से 2 बार हो सकती है दोस्तों। और ये गाइज मैं बात करूँ पुरुषों से ज़्यादा मैं बात करूँ ये महिलाओं में प्रॉब्लम देखी जाती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये बात करूँ एक माइग्रेन जो डिजीज होती है बहुत ही, मैं बात करूँ एक बहुत ही भयंकर डिजीज होती है, बहुत ही डेंजर ये बीमारी होती है, जो कि महिलाओं में प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा इसके इसके भी क्या रीज़न देखे जाते हैं, जो माइग्रेन जो होते हैं गाइज ये इसके क्या कारण होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। तो गाइज ये बात को एक लॉस्ट इनकम की वजह से हो सकता है, अगर जैसे बहुत ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है, इनकम बहुत ज़्यादा उनकी मैं बात करूँ नुकसान उनका हो चुका है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट उनको हो रहा है, तो गाइज एक रीज़न ये भी देखा जाता है। जैसे बात करूँ सोशल आइसोलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे मैं बात करूँ गाइज उनको जो है एक ये रीज़न इसका देखा जाता है माइग्रेन का। दोस्तों ये जो माइग्रेन जो डिजीज होती है, जो आधा सीसी दो दर्द होता है दोस्तों, ये बात को एक रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी भी एक इसका रीज़न देखा जाता है। जैसे बात करूँ लोअर सेल्फ एस्टिमेट भी एक इसका रीज़न देखा जाता है दोस्तों। ये जैसे बात करूँ माइग्रेन के गाइज यही सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको जो हेडेक जो अभी अब मैंने आपको नॉर्मल जो सेदर जो बताया था, जैसे हेडेक जो आपके अंदर हो रहा है, सेदर जो हो रहा है बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से आपको हो रहा है, लॉन्ग टाइम से आपको हो रहा है, इसका गाइज एक रीज़न ये भी देखा जाता है। जैसे गाइज हार्मोनल चेंज की वजह से हो सकती है गाइज, जैसे कि देखा जाता है गाइज हार्मोनल चेंज जैसे हो रहे हैं आपकी बॉडी में, तो गाइज इसका एक रीज़न ये भी देखा जाता है हेडेक का दोस्तों। तो दोस्तों ये यही इसके रीज़न होते हैं, माइग्रेन के यही सिम्टम्स होते हैं, और इसके रीज़न यही देखे जाते हैं। और जो अभी मैंने आपको हेडेक के जो रीज़न बताए थे गाइज, इसके यही रीज़न होते हैं, प्रॉपर जो रीज़न देखे जाते हैं, कारण जो देखे जाते हैं दोस्तों, यही इसके कारण होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ गाइज ये जो मेडिसिन है इसकी गाइज क्या इसकी MRP है, क्या इसका प्राइस है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ MRP की दोस्तों, तो गाइज इसकी MRP मैं आपको बता दूँ, इस पर मेंशन किया गया है दोस्तों, ये आपको मिलेगी 100 रुपीज़ में, 100 ये 100 रुपये की है मात्र, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, जो कि आप इसको परचेस ना कर पाएँ, जो कि इसको आप ना ले पाएँ, ये गाइज एक अफोर्डेबल प्राइस भी आप इसको ले सकते हैं, और इसको आप इसको जो है परचेस आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ ये जो मेडिसिन है इसको कैसा भी इसको यूज़ आप कर सकते हो, कैसा आप इसको ले सकते हैं, और कैसा आपको यूज़ करना है, कैसा आपको लेना है दोस्तों, और कितनी डोज आपको इसमें यूज़ करनी है, और कितने ड्रॉप आपको लेने हैं, और किसके साथ आपको यूज़ करना है, किसके साथ आपको लेना दोस्तों, और कितनी टाइम आपको यूज़ करना है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें इसमें मेंशन किया गया है, आप इसको प्रॉपर देख लें अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये गाइस इसमें आपको 10 से 15 ड्रॉप आपको यूज़ करने हैं, 1/4 कप वाटर आपको यूज़ करना है, 10 से 15 बूंद क्या करना है, 1/4 कप वाटर आपको ले लेना है, उसमें डाल लेना है, और इसमें आधा का आधे से आधा पानी आपको लेना है, ल्यूक वर्म वाटर आप ले लें तो अच्छा रहेगा, जल्दी रिजल्ट आपको देगी ये, तो इसमें ये डाल लेना है, और इसको दोस्तों 4 टाइम्स से यूज़ करना है, और इसको अगर आपको गाइस बहुत ज़्यादा हेडेक है तो इसको हर 2 घंटे में ले सकते हैं, 2 आवर के इसको जो आप ले सकते हैं दोस्तों, और इसको अगर आपके नॉर्मल है तो गाइस इसको 4 टाइम्स को यूज़ करें पूरे पर डे, इसको गाइस 4 बार इसको यूज़ करें, 10 से 15 बूंद आप इसमें ले सकते हैं, 15 ड्रॉप आपको लेना है, और ये 4 बार आप ले सकते हैं, और अक्यूट कंडीशन है बहुत ज़्यादा हेडेक है तो इसको गाइस हर 2 घंटे में ले सकते हैं, जो कि इसमें मेंशन किया गया है। और दोस्तों चिल्ड्रंस के लिए भी इसमें देखो लिखा हुआ है, जो इसमें मेंशन किया जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये गाइज इसमें चिल्ड्रंस के लिए जब कम देखी जाती है गाइज ये प्रॉब्लम, जैसे
अगर सिर दर्द से हो रहा है दोस्तों, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को सिर दर्द हो रहा है, नॉर्मल सिर दर्द जैसे हो रहा है, उसको हेडेक उसको जो है नॉर्मल है, कॉमन है, तो उसके लिए गाइस इसमें आप जो है 5 ड्रॉप यूज़ आप कर सकते हैं। 5 ड्रॉप विद ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा पानी ले लें और इसको पिला दें। अगर सिर दर्द है तो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मत यूज़ करना बिल्कुल भी इसमें से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके जो है, देखो इसमें मेंशन इंडिकेशन भी दिए गए हैं गाइस, जैसे कि गाइस जैसे कि हेडेक ड्यू टू सन एंड इंडाइजेशन, जैसे कि अगर आपको सिरदर्द जैसे हो रहा है तो आपको जैसे कि अब सूरज जैसे किरने आपको पड़ बाहर आप निकलते धूप में तो आपको सिरदर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाहर निकलते, और इंडाइजेशन दोस्तों इनडाइजेशन प्रॉब्लम जैसे देखी जाती है, जैसे कि माइग्रेन, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, माइग्रेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है ये, और जैसे बात करूँ हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है, और जैसे बात करूँ कोई नॉइस कंडीशन जैसे आपको हो रही है, वॉमिटिंग जैसे आपको हो रही है, जैसे कि उल्टी का सा मन कर रहा है, जी सा आपका मचला रहा है, दोस्तों जो इसमें इंडिकेशन दिए गए हैं। और मैंने गाइस पूरी इसकी जानकारी ली है, थोड़ा मैंने इसको जो गाइस और अच्छी तरह से डीपली मैंने इसकी गाइस जानकारी ली और मैंने इस गाइस की पूरी जानकारी आपको दी है। तो दोस्तों अब इसका यूज़ आप कर सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन डाला गया है, क्या इसके अंदर गाइस कॉम्बिनेशन इसके अंदर डाले गए हैं दोस्तों। तो गाइस मैं बात करूँ कॉम्पोजिशन की, कॉम्बिनेशन की, तो गाइस इसके अंदर गाइस इरिस वर्सिकुलर है, SPA 2X में है दोस्तों, इसके अंदर SPA 3X में है दोस्तों, और सी ड्रोन है इसके अंदर गाइस SPA 3X में है, इग्नेशियम हमारा इसके अंदर SPA 3X में है, और स्पाइलेजिया, और मैं बात करूँ एंथेलमिया इसके अंदर गाइस SPA 3X में दोस्तों, और उसनिया बरबाटा दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन इसके अंदर डाला हुआ है दोस्तों। जो उसनिया बरबाटा दोस्तों हेडेक के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसके अंदर डाला गया है। और दोस्तों अगर मैं इनकी एक्सप्लेनेशन करूँगा, इसकी पूरी जानकारी देने की करूँगा कोशिश, तो गाइस थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी आप सभी के लिए, और मैं ये नहीं चाहता थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो दोस्तों ये। तो दोस्तों कॉम्पोजिशन बहुत ही अच्छा इसके अंदर डाले गए हैं दोस्तों, जैसे इसके अंदर गाइस इरिस वर्सिकुलर इसके अंदर SPA 3X में है, सी ड्रोन इसके अंदर गाइस SPA 3X में है, इग्नेशिया हमारा इसके अंदर का SPA 3X में है दोस्तों, और स्पाइलेजी एंथेलमिया इसके अंदर 3X में है, और मैं बात करूँ इसके अंदर उसनिया बरबाटा दोस्तों इसके अंदर का SPA 3X में है, जो कि काफ़ी अच्छा इसके अंदर कॉम्पोजिशन डाला हुआ है, काफ़ी अच्छा इसके अंदर जो है कॉम्बिनेशन डाले गए हैं दोस्तों। ये SBL कंपनी का है, और SBL कंपनी आप सभी जानते हैं इसके काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा मगर ये रिजल्ट आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये 30 ml की इसकी जो गाइस नेट वेट है इसकी, 30 ml की इसकी बोतल है, और दोस्तों इसको आप जो है कहीं से भी इसको परचेस आप कर सकते हैं, आपके जो नज़दीकी जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक हैं, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, और अगर इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहें तो ऑनलाइन ही परचेस आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बाई गाइज आपको जो इसको जो है 1 mg से परचेस आप कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, अमेजोन से आप इसको ले सकते हैं, SBL की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको मंगवा सकते हैं दोस्तों, जैसे आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कैसा आपको लेना है। अगर ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल सकता है दोस्तों, इसमें 1 mg पे अगर जाएंगे तो गाइज ये आपको थोड़ा इसमें 5 से 10 रुपये का इसमें जो आपको डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि अच्छी एक साइट है दोस्तों, और 1 mg से भी ले सकते हैं। अगर इसको ऑफलाइन लेना चाहे तो ऑफलाइन ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कैसा आपको जो है लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो है मेडिसिन है, ये जो ड्रॉप है दोस्तों, कब तक आप इसको यूज़ आप कर सकते हैं, और कितने महीने के अंदर ये आपको रिजल्ट देगा ये, और कितने महीने आपको रिजल्ट आपको देगी ये मेडिसिन। तो दोस्तों इसका 3 मंथ का कोर्स होता है, और 3 मंथ से ऊपर भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 3 महीने आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मगर ये कि 3 मंथ मैक्सिमम आपको यूज़ करना है। अगर 3 मंथ से ऊपर हो जाता तो गाइस मैं इसको उसमें कुछ नहीं कर सकता, मगर ये कि रिजल्ट आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा देगी मेडिसिन। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, सेफ मेडिसिन है, और एक होम्योपैथिक प्रोडक्ट है दोस्तों ये। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें क्या सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, क्या इसमें आप जो सॉल्यूशन है अब इसमें यूज़ आप कर सकते हैं, नॉर्मल से सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है। इसमें क्या करना, कोकोनट वाटर आपको पीना दोस्तों, और कोकोनट ऑयल का क्या करना है आपको जो है मसाज आपको करना है, जहाँ जो है हेड पे आपके जो आपके सिर दर्द रहता है वहाँ पर आपको लगाना है, और ये गाइस बहुत ही अच्छा इफेक्ट रिजल्ट देगा ये। और कोकोनट वाटर पी सकते हैं आप दोस्तों, और मैं बात करूँ कोकोनट ऑयल यूज़ करें अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इसमें आप यूज़ आप कर सकते हैं, तो बस यही आपको जानकारी देनी थी दोस्तों, और मैंने आप सभी को ये पूरी जानकारी दी है दोस्तों, कंप्लीट नॉलेज आपको दी है, और प्रॉपर मैंने आपको ये जो है एक्सप्लेन किया है, जो है इसके रीज़न बताए हैं गाइस, और क्या इसके रीज़न, ये भी मैंने आपको बताया है।
तो पूरी जानकारी को दे दी दोस्तों। ये जो वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों। दोस्तों ये मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, जो कि मैरिड लाइफ है उनके लिए, जो अनमैरिड लाइफ है उनके लिए दोस्तों। और जैसे बहुत ज़्यादा वो गाइस मैं आपको उनको ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको इस डिजीज से, इस बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं दोस्तों, उन सभी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और जो जो कि हमारे पे ऐसे केस आते हैं दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बना दी जाए आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बना दी है, और आज मैंने जो है वीडियो आप सभी के लिए बनाई है दोस्तों। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ गाइज, ये मैं गाइज फ्रंट कैमरे से क्यों नहीं बनाता हूँ दोस्तों, अगर मैं गाइज इस वीडियो को गाइज फ्रंट कैमरे से बनाऊंगा, ये इस मेडिसिन का अगर मैं रिव्यू करता फ्रंट कैमरे से, तो गाइज आपको ये मेडिसिन का उल्टे दिखती है और सही से आप इसको देख नहीं पाते। तो दोस्तों इसलिए मैं इसको प्राइमरी कैमरे से आज मैं गाइज ये जो वीडियो शूट करता हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग तो दोस्तों मेरी इतनी अच्छी रही नहीं यूट्यूब पर, और दोस्तों इतना अच्छा यूट्यूब पर किसी एक्सपीरियंस होता ही नहीं दोस्तों बोलने का। देखो सभी को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल है, और दोस्तों बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, क्योंकि एक वीडियो में गाइज कंटिन्यू बोलना बहुत मुश्किल है। और ये गाइज एक मैं बात करूँ, धीरे धीरे हमें अपने अंदर थोड़ा चेंज ला रहे हैं, थोड़ा ये कि चेंज लाएंगे और आप सभी के लिए अच्छे कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप सभी के लिए अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और एक अच्छे वे में, एक अच्छे एक प्रॉपर वे में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और जो भी अपकमिंग वीडियो होंगे गाइज उसमें एक अच्छा वीडियो हम देंगे दोस्तों अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप दोस्तों में सपोर्ट करते हैं दोस्तों मैं ये कि उससे एक मोटिव मिलता है, एक प्रेरणा मिलता है, और हम अच्छे कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों हम एक मिडिल फैमिली से रिलेट करते हैं, और ये कि ज़्यादा कोई रिच फैमिली से नहीं, हम एक ये मिडिल फैमिली से हैं दोस्तों। तो बस ये आप सभी से बात कहनी थी, और मैंने आप सभी से ये कह दिया दोस्तों, थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड ज़रूर करें। सो बस यही आप सभी से बात कहनी है दोस्तों, और मैंने आप सभी से ये बात कह दी है दोस्तों। दोस्तों मैंने इस मेडिसिन की, इस प्रोडक्ट की आप सभी को कंप्लीट नॉलेज दे दी है, पूरी जानकारी आपको दे दी है, और कंप्लीट नॉलेज आपको दे दी है दोस्तों। लिटरली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। ये जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आप सभी के लिए यूजफुल मेडिसिन है, यूजफुल प्रोडक्ट है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लें। और हेल्थ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कर दें, और इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड जरूर करें, और थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कर दें। और अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसके जो नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्ट विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो आप देखना चाहते हैं दोस्तों हमें कमेंट जरूर करें, और कोशिश करेंगे उस कमेंट को, उस टॉपिक को अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।